हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विकेटीएम, बैक टू अगेन न्यू वीडियो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़िंदगी में सब कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब ठीक ठाक है। अपने ज़िंदगी में क्या चल रहा है ज़रूर बताइएगा। कभी खुशी कभी गम, वो तो होता ही रहता है। आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है अभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हैं यार आपका हाल चाल पूछने। तो बता दीजिएगा कैसे क्या चल रहा है आपके लाइफ में। और बताइए आपकी छुट्टियां कैसी चल रही है? गांव चले गए या फिर अभी तक महाराष्ट्र में हो? बताइएगा ज़रूर कहां पे चले गए हो और कैसी चल रही है आपकी छुट्टियां। हमारी छुट्टियां तो बस बीते जा रही है एक एक दिन। क्या करें यार, हमें भी गाँव जाने का बड़ा मन था बट जा नहीं पाए। क्या करें, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आज क्या क्या देखने मिलता है, क्या क्या हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जाने वाले हैं अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन से वायर अप स्टूडियो जाना है। एक्चुअली भाई को कुछ काम है तो चलते हैं थोड़ा स्टूडियो के पास। लेट्स गो। फाइनली गाइज, अभी हम वायर अप स्टूडियो के पास आ गए हैं। एक्चुअली भाई अंदर चला भी गया है, मुझे अभी नहीं जाने दिए क्योंकि एक कोई काम था। स्टूडियो बड़ा है ना, तो किसी दूसरे को काम नहीं है तो जाने नहीं देते अंदर, तो मुझे बाहर रुकने बोला है। भाई अंदर गया है, देखते हैं कब तक आता है, क्या होता है, बने रहो वीडियो में। तो लिटरली गाइज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों यार। वो 2 घंटे से अंदर गया है, अभी तक नहीं आया। पता नहीं ऐसा क्या काम कर रहा है भाई। तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से सीधा, देखते हैं अंधेरी में क्या क्या है। थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आई डोंट नो, बट कॉल भी आ सकता है ना। तो देखते हैं, चलते हैं थोड़ा अंधेरी का व्यू। ओके गाइस, तो भाई आके भी चला गया, घर गया वो, और मुझे अभी जाना है सेंटा क्रूज। तो चलते हैं सेंटा क्रूज, आज का पूरा नाइट जाएगा। फिर मॉर्निंग में घूमना है, फिर घूमना है, फिर घूमना है, फिर घूमना ही है। तो चलते हैं सेंटा क्रूज। तो फर्स्ट टाइम गाइस इतना बड़ा टीवी देखने मिला हमें, और इतने बड़े टीवी में हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग में तो उठ नहीं पाया, इसके लिए गुड आफ्टरनून बोलना पड़ रहा है। तो गाइज ये सब छोड़ो, और अभी हम लोग आए हैं बैंड स्टैंड आए हैं, और देखते हैं क्या क्या घूमने मिलता है और क्या क्या यहाँ पर है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो हमारे सामने ये देख सकते हो क्या है। आप लोग को पता है ये किसका घर है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसे नहीं पता है वो जान लो, ये है शाहरुख सर का घर। हाँ सही सुने, शाहरुख खान जी का घर यही है। तो कैसा है? Thank you.
आई होप गाइस आपको बेन स्टन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना। और मैंने इंस्टाग्राम रील्स भी बनाई थी बेन स्टन में बहुत सारी, तो आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम आईडी है विक्की डीएम और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा विक्की डीएम। और एक और बात गाइस, आपको मैं एक बात बताता हूँ, छोटा सा वो भी अच्छा लगे तो सुन लेना, इन फ्यूचर आपको कभी काम कर दे शायद। तो गाइस आप कभी भी टेंशन में हो तो ज़्यादा कुछ मत करो, एक बैग लो, कपड़े पैकिंग करो और माँ का आशीर्वाद लो और निकल जाओ कहीं दूर। सच्ची गाइस इतना सुकून मिलेगा ना अकेले में रह के, सच्ची बता रहा हूँ गाइस। तो एक बार ट्राई करके देखना अगर आप कभी भी टेंशन में हो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे जू बीच। तो चलते हैं जू बीच, लेट्स गो। आई होप गाइस आपको जू बीच भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।